हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बच्चों में एक समस्या बहुत ही आम होती है, वो है पसलियां चलना। छोटे बच्चों में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। वैसे तो वयस्क में क्या और बड़े लोगों में क्या, सब में ये समस्या हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये समस्या बच्चों में देखी जाती है। जब भी मौसम बदलता है तो मौसम बदलने के साथ साथ बच्चे को बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। ज़्यादातर पसलियां चलने की जो प्रॉब्लम है बच्चे को सर्दियों में देखी जाती है, क्योंकि सर्दी के कारण बच्चों की छाती में बहुत ही कफ जम जाता है। बच्चों की छाती में अधिक मात्रा में कफ जमने के कारण बच्चे को पसली चलने की समस्या हो जाती है। जो पसलियां हैं बच्चे की, आप कभी भी देखेंगे अगर किसी बच्चे की पसलियां चल जाती हैं, तो बच्चे के अगर आप यहाँ पर हाथ लगा के देखेंगे तो उसकी पसलियां ऐसे बहुत तेज आपको ऐसा लगेगा चल रही हैं, तो उसे पसलियां चलना कहते हैं। ऐसे में आपका बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा हो सकता है, बच्चे के पसीने आता है माथे पर, बच्चे के सीने में दर्द है, अगर बच्चे को सर्दी जुकाम की समस्या है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बच्चे में देखने को मिल सकती हैं। पसलियाँ चलने के और भी कारण होते हैं। छोटा बच्चा अपने माँ के दूध पर निर्भर करता है। अगर माँ के खान पीने में कुछ कमियाँ हैं, अगर माँ का जो भोजन का तरीका है वो सही नहीं है, उसके कारण भी बच्चे को बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। अगर माएँ अच्छे पोषक तत्व नहीं ले रही होती हैं, या फिर जिन बच्चों की जो माताएँ हैं वो अधिक बीमार रहती हैं, क्योंकि बच्चे माँ का दूध फीड करते हैं। अगर कोई भी मदर है वो बीमार है बहुत ज़्यादा, या वो लंबे समय से बीमार रहती है, या उनके शरीर में कुछ बीमारियां हैं जो परमानेंट रहती हैं, ऐसे में अगर बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो वो बच्चे भी कुछ अधिक ही बीमार पड़ते हैं। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। पसलियाँ चलने की समस्या वैसे तो बहुत अधिक गंभीर नहीं होती है, लेकिन अगर इसका समय से इलाज नहीं किया जाए तो ये समस्या बच्चों के लिए गंभीर भी हो सकती है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, बच्चे की हर प्रॉब्लम पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ को बहुत ही अधिक बड़ा ना बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन ना लें, बच्चे के ऊपर नज़र रखें। अगर आपको बच्चे के बिहेवियर से लेकर बच्चे की बॉडी एक्टिविटी में कहीं भी कोई भी अंतर दिखता है तो तुरंत उस चीज़ को नोट कीजिए और तुरंत उसका उपचार देखिए। बहुत ज़्यादा चिंतित होने पर भी आप बहुत अधिक परेशानियाँ क्रिएट हो जाती हैं। तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों में अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है कि बच्चे के माथे पर पसीना आ रहा है, बच्चे के सीने में दर्द हो रहा है, बच्चे के छाती में बहुत ही अधिक बलगम जम गया है, या आपका बच्चा बहुत अधिक रो रहा है, या फिर खांसी जुकाम जैसी कोई भी समस्या आपको दिख रही है, तो ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को जो पसलियाँ चलने की समस्या होती है वो है, आपके बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं। हमने इसमें बात करी इसके पीछे के कारण और लक्षण की, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ घरेलू उपाय की, कि आप घर पर क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे कि बच्चे पे पसलियां चलने की समस्या को आप घर में ही ठीक कर सकें। सबसे पहला उपाय जो आप कर सकते हैं, आपके घर में सरसों का तेल सभी के घर में पाया जाता है। अगर मैं यूपी की बात करूँ या इधर की ईस्ट वेस्ट की बात करूँ तो सरसों का तेल नॉर्मली हर घर में मिल जाता है, और आजकल तो पूरे इंडिया में अच्छे से ये हर जगह अवेलेबल हो जाता है। सरसों के तेल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो आपको क्या करना है, आपको सरसों का तेल लेना है, थोड़ा सा आधे चम्मच नमक डालकर आपको उसको गर्म कर लेना है। गर्म कर जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना बजे, आप उसको एक डिब्बी में भर कर रख लीजिए। अब आपको बच्चे की उससे हल्के हाथों से मालिश करनी है। थोड़ा सा सरसों का तेल हाथ में लीजिए और बच्चे की चेस्ट की अच्छे से मालिश कीजिए, बच्चे की बैक की भी अच्छे से मालिश कीजिए। इससे क्या होगा, सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है और बच्चे को जो ये पसलियाँ चलती हैं वो कफ होने की वजह से हो जाता है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे को लंबे समय से जुकाम खांसी लगा हुआ है तब भी पसलियाँ चल जाती हैं, तो ऐसे ही बच्चे की आप अच्छे से सरसों के तेल में नमक मिलाकर अच्छे से मसाज कीजिए
उसके बाद आपको एक कॉटन लेनी है, साफ सुथरी कॉटन लेनी है और बच्चे की छाती पर लगा देनी है। बेसिकली मकसद इसका ये होता है कि आपको बच्चे की छाती पर गर्मी बनाए रखनी है, जिससे कि बच्चे को बाहर से हवा ना लगे। बच्चे की छाती जो ठंड के कारण जम गई है, वो थोड़ा सा गर्मी उस तक पहुंचे और बच्चे का जो बलगम है वो पिघल कर निकल जाए। तो आपको इस तरीके से इसका प्रयोग करना है। दूसरा उपाय है कैस्टर ऑयल। आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल लेना है जो सब जगह इजीली आपको पता है मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाता है। कैस्टर ऑयल को लेकर आपको बिल्कुल हल्के हाथों से बच्चे की कमर की और बच्चे की छाती की मसाज करनी है और उसी तरीके से आपको इसको भी कवर कर देना है, बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। तीसरा उपाय है इसका देसी घी। देसी घी में आपको आधा चम्मच अजवाइन डालकर थोड़ा सा गर्म कर लेना है। सरसों के तेल की तरह ही आपको इसकी भी हल्के हाथों से मसाज करनी है और इससे भी अच्छे से कवर कर देना है, जिससे कि इसमें भी हवा ना जा सके और बच्चे को जो कफ की समस्या है इससे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। एक और उपाय है, वो है पीपली। पीपली अपने वैद्य की जो दुकानें होती हैं जिन पर जड़ी बूटियां मिलती हैं, पीपली वहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। एक जड़ी बूटी होती है ये, पीपली का चूर्ण भी आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पीपली के चूर्ण को थोड़े से शहद के साथ मिलाना है और बच्चे को सुबह और शाम दोनों समय चटा देना है। इससे भी बच्चे की कफ की समस्या बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, पसलियां जो बच्चे की चल गई हैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। लहसुन का तेल भी आप बना सकते हैं, सरसों के तेल में लहसुन पकाकर उसकी मसाज भी आप बच्चे की पसलियों पर कर सकते हैं। ये भी गर्म होता है तो इसका भी अप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है तो आप चाहें तो इसको यूज करें, अदरवाइज आप नमक मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ घरेलू उपाय बताए हैं जिससे कि आपके बच्चे की छाती में जो कफ जम गया है वो इजीली निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे की जो पसलियां हैं दो दिन हो गए हैं सही नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये जो घरेलू उपाय हैं हम लोग बहुत पुराने समय से यूज कर रहे हैं, लेकिन हर बच्चे का केस अलग होता है। अगर आपके बच्चे को इससे आराम नहीं पड़ रहा है तो अपने बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उसमें कोई भी उस समय पर घरेलू उपाय से इंतजार ना करें। हो सकता है कि आपके बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हो गया हो सकता है किसी और कारण से आपके बच्चे की पसलियाँ चल रही हों। वैसे तो 99% कारण यही होता है, लेकिन अगर 1% भी दूसरा कोई कारण है तो उससे आपके बच्चे को हानि हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आप बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बच्चे की पसलियाँ चलने से रिलेटेड कुछ उपाय शेयर किए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा डाली गई नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।